अस्सलामुअलैकुम माई यूट्यूब फ़ैमिली, सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो जी, ज़ायरा के स्कूल में तो 14 अगस्त ख़त्म ही नहीं हो रही। ज़ायरा की टीचर ने ज़ायरा की है पेंटिंग, उन्होंने ऐसे ही बस वैसे ही शुगर लगाया है बच्चों के लिए पेंटिंग वगैरह करके। बच्चों को इसी तरीके से मनाया जाता है कि बच्चे स्कूल में इंटरेस्ट लें, टीचर्स अच्छे होते हैं तो बच्चों की ज़िंदगी संवर जाती है। और जब ज़ायरा स्कूल से आई थी तो इंतहाई खुश थी। ये देखें, वीडियो बनाई है? नहीं, ये आपने क्या बनाया है? वीडियो बनाई है मैंने। मैम ने बनाई है? दिखाओ मुंह दिखाओ। आज क्या हो गया? आज तो ज़ायरा इतनी प्यारी प्यारी क्यों बन गई है? हैं, आज मायरा अच्छा काम करती है। आप हमेशा अच्छा काम करती हो। पापा ने समझाया तो अच्छा काम करती है। अच्छा, अब्रिश दिखाओ आपकी उड़िया। वाह, अभी तो ज़ायरा, ये ज़ायरा के बाबा लेके आए हैं माशाल्लाह मम्मा के लिए। और आप लोगों के लिए जो टिफ़िन लेके आए वो भी दिखा दो। दिखाओ टिफ़िन बिल, दिखाते हैं। ये मम्मा को आलू छीलने के लिए चाहिए होता है, बहुत सारे चिप्स बनाने होते हैं ना। नहीं नहीं माँ, बच्चों छुरी है, छुरी 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 छुरी। अब्रिश को और चीज़ की जिद है। ज़ायरा की गुड़िया है, मुझे वो दो ना लंच बॉक्सेस। मायरा की कितनी प्यारी है, ज़ायरा की कितनी प्यारी है। और ये मायरू का टिफिन है, ये बहुत अच्छा है। सेपरेट इसमें ये रखने के लिए, हाँ ठीक है, रख दो रख दो। मैं तो कहती हूँ चमचे निकाल देंगे बेटा। चम्मच नहीं। और ज़ायरा का ये चम्मच, ज़ायरा का बहुत प्यारा है मारियो वाला। चम्मच मुझे चाहिए होती। अच्छा अच्छा अच्छा, छोड़ो छोड़ो। मैं नीचे गई थी, नीचे फकीना खा रहा था। फकीना क्या होता है? हैं, क्या होता है? फकीर सा नहीं बोलते पागल, फकीर जो फकीर होता है ना, फकीर बोलते हैं फकीर ना। मतलब फकीर नहीं होती है जो, मतलब जो आंटी होती हैं वो फकीर नहीं होती है ना जो, ठीक है? तो जो अंकल होते हैं वो फकीर होते हैं, लेकिन इनको फकीर नहीं बोलते बेटा। ऐसे बात बोलते ही नहीं है, ऐसे बोलते हैं अंकल हैं बस, अंकल और आंटी, ठीक है? हमें किसी को भी फकीर नहीं, फ़कीर ऐसे लफ्ज़ नहीं बोलने चाहिए, बहुत उनका दिल दुख जाएगा, वो फिर अल्लाह गुनाह देगा, ठीक है? सही है। और ये अब्रिश उठ के आ गई हैं माशाल्लाह। मेरा बच्चा हंसते हंसते उठा माशाल्लाह। माँ सद के ओ माँ सद के, मेरे बेटे की माँ सद के मेरी बच्चा, मेरा प्यारा सा गुड्डा। कभी कभी हंसते हंसते आता है। अब्रिश अब्रिश नीनी से उठी हो, झूले से निकल के आ गई है। और ये देखें, इसने चड्डी भी उतार दी, गंदी बेबी। पता नहीं इसको आजकल क्या हो गया है, बस पैम्पर होता है और ये पैम्पर के साथ चड्डी उतार देती है। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, पता नहीं इतना ज़्यादा। क्या खा रही हो? आंखें क्यों मार रही हो? क्या खा रही हो हैं? ये क्या खा रही हो तुम? गंदी गंदी चीज़ें खाती रहती हो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? दिखाओ इसकी पैकेट दिखाओ। मुझे तो लगा ये खा नहीं सकेगी। अब्रिश क्या खा रही हो? दिखाओ ज़रा मुंह दिखाओ, मुंह दिखाओ, क्या खाती हो? ख़त्म हो गए ये हैं? ये खा लिया आपने पूरी पैकेट? शर्म नहीं आती आपको? शर्म नहीं आती आपको हैं? शर्म नहीं आती थोड़ी सी भी? रात को खांसती हो फिर खाऊं 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 करके। इधर देखो मेरी तरफ, मेरी तरफ देखो, क्या तुम नाटक कर रही हो हैं? बस दिल चाहता है ना लटका के मारूं, लटका के उल्टा लटका के मारूं। क्या नहीं, किससे मारूं? डंडे से मारूं? डंडे से मारूं? किसके? ज़ायरा को मारूं? क्यों हैं? ज़ायरा को क्यों मारूं? आपको ही मारूंगी, आपको ही नहीं। ज़ायरा नो, ज़ायरा अच्छी बच्ची, आप गंदी बच्ची। ज़ायरा बहुत अच्छी, अब्रिश बहुत गंदी। हाँ मायरा भी अच्छी, मायरा भी बहुत अच्छी, आप बहुत गंदी गंदी। लड़ाई करो, लड़ाई करती हो मम्मा से।
तो आपने अब्रिश की शैतानियाँ तो देख ही ली हैं, आजकल इतना ज़्यादा तंग कर रही है, इतना ज़्यादा तंग कि मैं बिल्कुल ही कोई काम के साथ नहीं हो सकती, चीज़ें छीनती है, बच्चों को स्कूल नहीं पढ़ने देती, चीज़ों को हाथ, हालांकि मैं इसके लिए हर चीज़ अलग देती हूँ, लेकिन ये फिर भी मेरे बच्चों के हाथों से चीज़ें छीनती है, कुछ भी ज़रूरी जैसे छुरी चाकू होते हैं ये हाथ में नहीं लेने देती, बोलेगी मुझे दे दो, मतलब इसकी समझ ख़त्म हो गई है, इसको समझ नहीं आता कि ये चीज़ नुकसान कर जाएगी, कोई पंखा लगा दें स्टैंड फैन तो मुसीबत, तो ये बहुत ज़्यादा तंग करने लगी है। आप लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा, आप लोग के अगर छोटे बच्चे हैं और अगर आप लोग रिलेट करते हैं तो मुझे ज़रूर थोड़ा हौसला दीजिएगा कि बच्चे ऐसे ही तंग करते हैं, क्योंकि मेरी दोनों बच्चियों ने ऐसा तंग नहीं किया, मैं बहुत ज़्यादा तंग हो गई हूँ इसकी वजह से। तो बस दुआओं में रखिएगा याद और बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मैं भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करूँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सबके खैर भलाई रखे और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।